नमो नमो अरिहन्ताणम् नमो नमो सिद्धाणम् नमो नमो लोए नमो जिसने राग देश का मालिक जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया निष्प्रय हो उपदेश दिया बुद्धि वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या पैगंबर हो अवतार बीत राग है जिनका अंबर उनको मेरा नमस्कार उनको मेरा नमस्कार उनको मेरा अपना सब्जेक्ट था कौन सा बताओ रात्रि भोजन है ना हमने कल विसर्जन किया था समापन किया था रात्रि भोजन पे जाकर के कि रात्रि भोजन वैज्ञानिक तरीके से क्यों नहीं करना चाहिए और धार्मिक तरीके से क्यों नहीं करना चाहिए। लोगों की ये गलत धारणा बन गई कि धर्म रात्रि भोजन करने का निषेध करता है लेकिन हिंसा नहीं होती। उस समय साधन नहीं थे बिजली नहीं थी लालटेन थी उजाला नहीं था लेकिन ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि रात्रि भोजन खाली धार्मिक नहीं है वैज्ञानिक भी है। देखो आज मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहूँगा। दो प्रकार के प्राणी हैं एक दिवाचर और एक निशाचर। कुछ ऐसे पक्षी हैं प्राणी हैं जो दिन में भोजन करते हैं कुछ ऐसे हैं जो रात्रि में ग्रहण करते हैं ये भी सच है लेकिन एक बात को आपका विशेष ध्यान रखना चाहिए दिवाचर और निशाचर प्राणी का संबंध सूर्य के उदय अस्त से लेकिन उससे भी कम है। बादल कितने भी आकाश में आ जाएं, कितना भी प्रकृति में अंधेरा हो जाए लेकिन प्राणी को मालूम है कि अभी दिन है। भले सूर्य नहीं दिख रहा ठंडी पड़ रही है वो जानता है। निशाचर जानता है कि अभी रात है दिन नहीं निकला। भले वो शिशिर की रात हो
या बरसात की रात हो, है ना, लेकिन वो जानता तो है। दूसरी बात, कुछ लोग मानते हैं कि दिन में भोजन करना जरूरी नहीं है, रात के करें तो क्या नुकसान। लेकिन विज्ञान का भी कहना है, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो सूर्य के अभाव में ज़्यादा पैदा होते हैं, और रात्रि में सूर्य के अभाव में उनकी हिंसा सबसे ज़्यादा होती है, ये विज्ञान ने सिद्ध किया। ऐसे जीव जो हमारी आँखों से देखे भी नहीं जाते, उनका स्पर्श से भी पता नहीं चलता, लेकिन रात्रि में इतनी ज़्यादा उत्पत्ति हो जाती है कि वे रात में जन्मते और मरते भी शीघ्र हैं, जरा सी भी कोई गर्माहट मिल जाए। तो रात्रि भोजन से हमें दो तीन हानियां बहुत ज्यादा हैं। पहली हानि है कि जीव की हिंसा बहुत ज्यादा है। दूसरी हानि यह है कि रात्रि में किया गया भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, और तीसरी हानि यह है कि रात्रि में किए गए भोजन के रस, रुधिर आदि भी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते। चौथी हानि यह है कि जब पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं बनता, डाइजेस्ट नहीं होता, तो शरीर के अंदर विकृति पैदा होती है। जब शरीर विकृत होता है तो मन विकृत होने लगता है, और जब मन विकृत होता है तो बुद्धि विकृत होती है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा नहीं देगा, यह भी सच है, है ना। अगर शरीर अस्वस्थ हुआ तो मन किसी भी चीज में नहीं लगेगा आपका, और बुद्धि का सोचना समझना भी कम हो जाएगा। और शरीर अगर ज्यादा समय सब बीक रह जाए तो उसमें हमारे अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा, और आलस सबसे ज्यादा रात्रि में आती है। दिन में तो व्यक्ति आवाज दो तो उठ के दौड़ लगा देगा, और रात में अगर आवाज दी सुन के भी अनसुना कर देगा। और एक बार शरीर में अगर रोग ने अपना स्थान बना लिया तो निश्चित मान के चलो कि आपकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगी। तो रात्रि भोजन आपकी मृत्यु पर भी आक्रमण करता है, आपके विचारों पर भी आक्रमण करता है, आपके ज्ञान पर भी आक्रमण करता है। जितने ज्यादा लोग बुद्धिमान हैं, बुद्धि से, उतने ज्यादा उनकी क्रियाएं विकृत हैं, ये भी मानना पड़ेगा। और जिनकी क्रियाएं विकृत हैं वो अहंकार से भरे हुए हैं, वो अपने गलत आचरण को सही सिद्ध करने में अपना सौभाग्य समझते हैं, है ना। तो रात्रि भोजन का प्रभाव स्टोमक पे पड़ा, पाचन तंत्र पे पड़ा, पाचन तंत्र की कमजोरी से बुद्धि पे पड़ा, बुद्धि शरीर पे पड़ा, शरीर से बुद्धि पे पड़ा, बुद्धि से मन पे पड़ा, और मन जब विकृत हुआ तो आपने अच्छा सोचना बंद कर दिया, राइट।
अब एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, तब आपको लगेगा। नारायण श्री कृष्ण को दुर्योधन ने कई बार आमंत्रित किया कि आपको हमारे यहां भोजन के लिए आना है, और नारायण श्री कृष्ण नहीं गए, दुर्योधन बुलाता रहा आपको। विदुर को अचानक कृष्ण मिल गए तो विदुर ने कहा कि आप हमारे यहां आइए ना। युधिष्ठिर ने कहा, उसके यहां चले गए। एक दिन अचानक विदुर के घर पहुंच गए, जबकि विदुर घर पे नहीं था। दुर्योधन को बहुत बुरा लगा, ठीक सेवक के यहां चले गए, सलाहकार के यहां चले गए, मेरे दुश्मन के यहां चले गए, लेकिन मैंने निमंत्रण दिया तो मेरे यहां भोजन करने नहीं आए। विदुर के यहां पहुंचे, अचानक उन्हें आवाज दी विदुरानी, सामने उन्हें कृष्ण को देखा तो एकदम से घबरा सी गई कि अचानक सवेरे से मेरे यहां आ गए। कृष्ण ने कहा कि कुछ थोड़ा पानी पीना है, पानी लेके बोले कुछ और है क्या, थोड़ा खाली पेट ठीक नहीं लगता। अब विदुरानी के घर तो ऐसा कुछ भी नहीं था वो कृष्ण को दिया जा सके, तो पीछे गई तो केले का पेड़ था, उसने केले तोड़े, उसमें एक दो केले पके पके लग रहे थे, तोड़ के लाई। इतनी खुश थी उसे होश ही नहीं रहा, उसने केले के छिलके उनके सामने रखे और केला फेंक दिया। विदुर कृष्ण खा रहे हैं, हमारे सामने तो अच्छे से अच्छा भोजन भी आ जाए, तो जैसे ही रसगुल्ला मुंह में जाता तो बोलते हैं उसके यहाँ बहुत अच्छा बना था। हमारे सामने अगर कोई अच्छा डोसा प्रस्तुत कर दे, कहेंगे अपन उस होटल में गए थे, वो फलाने चौराहे पे खड़ा होता है, अरे यार क्या डोसा बनाता है, ताजमहल की होटल की निंदा शुरू हो जाएगी, है ना। विदुरानी केला के छिलके दे रही है, केला फेंक रही है। विदुर को जब पता लगा कि कृष्ण मेरे यहाँ है, पागलों की तरह भागा। वो घर में देखता कि कृष्ण के सामने छिलके रखे हो, कृष्ण खा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो उसने कहा अपनी पत्नी से, विदुरानी से, क्या पागल हो गई, छिलके उनको देती है और दलवा फेंकती है। उसने कहा मैं तो भगवान को देख के भूल ही गई, मुझे तो होश ही नहीं है। एक ये विधि है। फिर कृष्ण से पूछा विदुर ने कि युधिष्ठिर ने कई दुर्योधन ने कई बार आपसे कहा लेकिन भोजन के लिए आप नहीं गए, और ये केले के छिलके आपने खाए। उसने बहुत मधुर शब्दों में कृष्ण ने कहा, बोले युधिर के भोजन में हिंसा घुली हुई है, हड़पने का भाव है, मिटाने का भाव है, हिंसा करने का भाव है, और युधिष्ठिर के तुम्हारे भोजन में प्रेम का भाव है, श्रद्धा का भाव है, भक्ति का भाव है। वो मुझे इसलिए बुलाना चाहते हैं कि मैं उन्हें तरीका बताऊं जीतने का, और युधिष्ठिर बुद्ध इसलिए बुलाना चाहता है कि वो पांव पखड़ना चाहता है, ये भोजन है। आप देखिए, मैं थोड़ा सा अतीत की ओर ले चलूंगा आप लोगों को, मौन से कर लीजिए, मौन कर लीजिए। मैं थोड़ा सा अतीत की तरफ ले चलता हूं तुमको, ताकि तुम्हें थोड़ा सा याद आ जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, मैंने आपको पिछले समय आहार के तीन दोष बतलाए थे, देखो आप तो भूल गए, उपाय दोष, स्वरूप दोष और क्रिया दोष। उपाय दोष का अर्थ है अनीति के द्वारा, अन्याय के द्वारा जो भोजन प्रस्तुत किया जा रहा है वो,
और स्वरूप दोष का अर्थ है कि आप वस्तु की चमक दमक को देख करके ग्रहण कर रहे हैं। काजू की बर्फी पे वर्क लगी है, भले साहब ये वाली बर्फी दे दीजिए। बालू शाही के ऊपर वर्क लगी है, भले वो अशुद्ध हो, लेकिन आप किसको लेके आए? बालू शाही कौन सी लाए? जिसके ऊपर वर्क लगी थी। फल वाले की दुकान में गए, जिस अमरूद के साथ पत्ते लगे हैं, आम के साथ, भले साहब ये वाले आम देना आप, ये वाले मत देना आप। क्या पत्ते खाओगे कि आम खाओगे? लेकिन पत्ते क्यों खरीदे? बकरी हो, गाय हो, क्या हुआ? एक प्रश्न है ना, आपने उसको आ जाए उधर से जाएगी, है ना, आपने उन वस्तुओं को खरीदा, पसंद किया जिनके अंदर चमक, देखने में सुंदर। लड़की देखने जाते सबसे सुंदर लाते, और जब वो आपको सताती तब, क्योंकि कोई भी सुंदर वस्तु अपने कर्तव्य का निभाए नहीं करती। जितनी सुंदर स्त्री लाओगे तुम उसकी सेवा में ही तत्पर खड़े रहोगे, नखरे नखरे पूरे करते रहोगे, और जितनी साधारण लाओगे तो उसके गुण गाओगे, बहुत अच्छी बहू आई, मुझे तो चौके में नहीं जाने देती, मुझे कोई चीज़ छूने नहीं देती, बहुत अच्छी बहू आई और सुंदर लाए, क्या बताऊँ, गाड़ी लेके घूमती, जब देखो उठा के भाग जाती है, चाय का प्याला दो तो उसमें नखरे करती, बोली नहीं अच्छी क्रॉकरी लाओ, चौके में आएगी तो सबसे ऊंची साड़ी पहन के आएगी, उसको छोटे कपड़े पसंद नहीं, निम्न कपड़े पसंद नहीं, तो आप बहू से परेशान। ब्यूटीफुल चीज के अंदर वर्क नहीं है, ड्यूटी नहीं है। गुलाब का फूल सुंदर है लेकिन कितनी देर का है, रख के देख लो जेब में, एक पान भी नहीं जमा पाओगे, और पाखुड़ी, ये खूबसूरती का राज है। और एक कांटा लगा लो या गेंदे का फूल रख लो, पढ़ा ना ससुराल गेंदा फूल, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या अर्थ है उसका बोलो, रोज तो सुन रहे और नाच भी रहे घरों में, हैं सासू को खूब बना के रखती तुम घर में अपने? नहीं 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 नहीं, ये अर्थ नहीं है। सासु गाली देवे, ननद मना लेवे, ससुराल गेंदा फूल, पढ़ते ना सुनते ना आप, हैं? उसका ये अर्थ नहीं है। गेंदे के फूल में पत्तियां ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है, गिन नहीं सकते आप, है ना, उसमें पत्तियां बहुत ज्यादा हैं, उसका रंग बहुत सुंदर है, आकर्षक है, जैसे दुल्हन तैयार होती ना हल्दी लगा के, वैसी दिख रही वो, है ना, लेकिन उसमें गंध नहीं है, इतनी कम है कि घर में पूरा परिवार गेंदे के फूल के समान भरा हुआ है, चार फैक्ट्रियां हैं, 15 गाड़ियां हैं, 20 नौकर हैं, लेकिन फिर भी सासू बहू को ताना दिए जा रही, प्यार की सुगंध नहीं है, बोलिए है? अगर प्यार में सुगंध होती तो घर को छोड़ के यहाँ दर्शन करने नहीं आती, यहाँ दर्शन करने वही आते हैं जो दुखी होते हैं, जिनके घर में एक मिनट अनकॉन्शियस माइंड के नीचे जो है उसे समझने की कोशिश करो, और अपने आप के सामने बिल्कुल अपने को नग्न माने, सत्य के रूप में खड़ा करो कि तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या विचार चल रहे हैं, वो भोजन के माध्यम से चल रहे हैं। मैं एक ऐसी बहू को जानता हूँ, एक प्रायः उसी प्रकार की होती है, एक बहू ने थाली लगाई भोजन की और नौकर से कहा जा बड़े साहब आ गए, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो छोटे साहब आए, उसने थाली में से 2 बर्फी के टुकड़े निकाल लिए, वो कहा जा देखिया ये क्यों किया गया, ससुराल गेंदा फूल। उधर से एक चाचा आ रहा था, उसमें झोले में
अमरूद लिए हुए था या सेव फल थे, तो उसका जैसे ही उसके सामने से भतीज आया, चाचा चाचा, उसने तुरंत उसमें से एक बड़ा एप्पल निकाला। इतने में उसका गया बेटा, पापा पापा, तो बड़ा बेटे को दे दिया, छोटा उसको दे दिया। ससुराल गेंदा फूल। आप पूछिए ना, अभी आपको अपनी ननद अच्छी नहीं लगती और लेकिन तुम्हारी बहन आ जाए तो उसके लिए स्पेशल खाना आएगा, स्पेशल सामान आएगा और पेटी में से भी निकाला जाएगा। क्यों? ससुराल गेंदा फूल। खाली गेंदे का फूल देखने का है और किसी काम का नहीं है। चमेली का फूल कम से कम जगह कम लेता है लेकिन दूर तक सुगंध देता है, और गेंदे का फूल जगह ज्यादा लेता है, सुगंध जरा भी नहीं देता। ससुराल गेंदा फूल। प्लीज सोचिए, आप भोजन की चर्चा कर रहे हैं यहां पर, हम क्रिया दोष नहीं उपाय दोष, अनीति की तरीके से कमाई हुआ धन है ना, अनीति से है ना, अनैतिक तरीके से वो धन जिसके लाने के बाद हमारे घर में विकृति होगी। अगर आपके घर में अभाव है, खाली चार साड़ी रखने की क्षमता है, टीवी रखने की क्षमता है, वो छोटी सी टीवी लाने की क्षमता है, वो भी किस्त पे मिल रही है आपको, आप लेकर के आ रहे हैं, पंखा एसी लगाने की नहीं क्षमता, पंखा की क्षमता लेकिन पुराना पंखा खरीदने की क्षमता है, और कहीं आपकी लॉटरी खुल गई तो दूसरे दिन प्लानिंग बनती, पहले एसी लगवा लो, होती कि नहीं? फिर दूसरे दिन बोलते कि नहीं देखो अपनी क्रॉकरी ठीक नहीं है घर के अंदर, एक टीवी ले आओ ढंग से, पंखा बदल लो और नई स्टील के बर्तन और क्रॉकरी और एक डाइनिंग टेबल लाओ, ड्रेसिंग टेबल लाओ। अब क्यों जरूरत पड़ गई? किस कारण से पड़ी? पैसे की, सो मैनी प्रॉपर्टीज कम, सो मैनी वेल्स, धन की अधिकता हजार बीमारियों की जड़ है, पूरे जिंदगी को बिगाड़ती उठा करके। खुद महसूस करो ना, जिस दिन तुम्हारे पास गाड़ी होगी उस दिन सासू से भी नहीं पूछोगी, चला के निकल के भाग जाओगी, और नई गाड़ी आई और पहली बार घर में आई तो ड्राइवर के बगल में ही बैठोगी, और ड्राइवर के बगल में बैठने वाली औरत अपनी सील का पालन नहीं कर सकती, क्योंकि ड्राइवर खतरनाक चीज है, उसका आभामंडल खतरनाक है, उसका खान पियन खतरनाक है। तो सोचो बाप, भोजन का प्रभाव कहाँ तक जा रहा? तो अनैतिक तरीके से जब घर में पैसा आता तो सारे लोग बिगड़ने लगते हैं, अनैतिक तो उपाय दोष। मेरे पास एक व्यक्ति ने आकर के कहा, माता जी, बोले आचार्य, बम्बई की बात है, बोले आचार्य जी, जब तक मेरे घर में लिमिट का पैसा था तब तक मेरे घर में शांति थी, बच्चे आज्ञा में थे, बहू बहुत अच्छी थी, पत्नी मेरी हर बात मानती थी, और जब से मेरे घर में धन की बढ़ोतरी हुई उस दिन से मेरा, ना तो मैंने अपनी बहू को ठीक समय पे घर में देखा, और मैं कई बार तो मेरा नौकर मुझे भोजन देता, मेरी पत्नी भी नहीं दिखाई देती, और पत्नी के हाथ का भोजन नहीं मिलता, अब बावर्ची के हाथ का भोजन मिलता है। ससुराल गेंदा फूल। बड़े घर, बड़ा फूल, बड़ा पैसा, हो गई आ गया ना गेंदा फूल, डलिया भरी दिख रही लेकिन चार ही माला है उसमें, चमेली के फूल में डलिया नहीं भरती लेकिन पूरा घर महकता है, तो गेंदा फूल का अर्थ तो है। तो उपाय दोष, हमारे घर में अगर गलत तरीके से धन आया और हम अगर उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित बात है कि हमारे घर में शांति नाम की कोई चीज नहीं है। उपाय दोष आया ना समझ में? अनैतिक तरीके से घर में अगर धन आ रहा है तो वो हमारे मन और हमारे चरित्र की विकृति में कारण है। अब दूसरा स्वरूप दोष है ना, दूसरा क्या? स्वरूप दोष। स्वरूप दोष का अर्थ है कि आप वस्तु के बाहरी सौंदर्य को देख करके खरीदते हैं और वो वस्तु आपके लिए हानिकारक है।
निश्चित मान के चलिए आप, क्योंकि आप वस्तु के ऊपरी रंग से आकर्षित हैं, उसकी चमक से आकर्षित हैं। अभी बाजार में सोफा लेने जाएं, देसी सोफा तो ऐसा बुरा दिखता है जैसे कोयले से खदान से कोयला वोला निकल के धो के रखा खाली। और विदेशी सोफा लाता है, एप्पल आता है बढ़िया, उसके ऊपर एक जाली चढ़ी होती है, आप जाके खरीद लेते हैं, बोले वो, और वो स्वाद में ही नहीं होता, तो ऐसा लगता है भूसा खा रहे। और देसी सोफल खाते ऐसा लगता है कि कुछ पेट में, लेकिन खरीदेंगे क्या आप? बोले वही लेंगे ना, तब आप सोचिए ना। तो एक स्वरूप दोष कि हम जो जो भी वस्तु को ऊपर से देख के ले रहे हैं वो भी नुकसानदायक है। अब तीसरा है क्रिया दोष, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं, क्योंकि मैंने ये आपका एक विषय छोड़ रखा है। क्रिया दोष के दोष देख लीजिए पहले, अब बहुत महत्वपूर्ण है, टिक मार कर लीजिए और आप नोट्स बना लीजिए इसके। स्वरूप क्रिया दोष, क्रिया का अर्थ है कि हम जो चीज बना रहे हैं, कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उसमें तीन चार बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात स्थान दोष, स्थान का दोष। दूसरी बात भाजन दोष, बर्तन का दोष। लिखिए, पहला स्थान दोष, दूसरा भाजन दोष बर्तन में जो बन रहा है, तीसरा जो बना रहा उसका दोष, चित्त हो गए, चौथा जो परोस रहा है उसका दोष, और भी हैं लेकिन मुख्य बता रहा हूं। अब मेरा आपसे निवेदन है, जरा ध्यान, स्थान दोष सबसे ज्यादा प्रभाव स्थान का पड़ता है। हो सकता है कि स्थान पे एक बकरा काटा गया, एक मुर्गा काटा गया, या किसी आदमी को गोली मारा गया, और आप कह रहे कि मकान खाली बैठ के खाना बनाओ, या आपने खरीद लिया खाना बना रहे, बोले हमारा तो घर में मन ही नहीं लगता, वो चक गया, बोली वो मरा है, स्थान दोष है। हो सकता है कि जहाँ भोजन बना रहे उसके बगल में गटर बह रहा हो, हो सकता है तुम्हारी संडास की सिविक लाइनी नीचे से निकल रही है चौके के, सोचा कभी आपने? तो कह दिया आलू मत खाओ, प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, ये मत खाओ, अरे तुम मेरा दिमाग तो मत खाओ, पहले अपने घर के स्थान दोष को तो संभाल लो, बाहर की सब्जियां को छोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी आपको, पहले स्थान दोष पकड़ो उसका। अभी वर्तमान में आप देखिए, मैं अभी बम्बई था 2 वर्ष पहले, इसके पहले ही बम्बई रहा, सूरत रहा, जयपुर रहा, कलकत्ता रहा, मैं तो शहर में घूमता ही रहता हूँ देश के अंदर, तो मैं तो हमेशा अमरिजनल चाट के ठेले वाले बिल्कुल सड़क के किनारे नाली के पास खड़े होते हैं, गटर के पास, कचरे के ढेर के पास। गुलालबाड़ी मंदिर में जहाँ से गटर जा रहा है, जहाँ कचरा इतना गंदा है कि आप यूँ खा रहा आदमी लेकिन खा रहा, तो जहाँ पे दुर्गंध आ रही और वहाँ पे आपने प्लेट दी और वहाँ तुम खा रहे, तो उस स्थान का दोष तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वहाँ की बदबू तुम्हारे दिल दिमाग में नहीं जाएगी, या तो लिखते नहीं। हमारे यहाँ लिखा स्थान दोष भी, जब साधु के 32 अंतराय 40 दोष देखेंगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी, माता जी उसमें है ये सब चीजें, मैंने अलग रूप दिया है। अब स्थान दोष कितना खतरनाक है, जहां पे वेश्या रहती हो आसपास में वो स्थान आपके लिए खाने के लायक नहीं है, जहां पे गुंडे रहते हैं वो आप स्थान आपके लायक नहीं है, जहां पे पशु बांधे जाते हो, जानवर बांधे जाते हैं वो स्थान आपके लायक नहीं है, जहां पे बैठ के बच्चे मलमूत्र कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चे, माताएं बहनें वहीं बिठा देती हैं उनको नंगा करके और खाना बना रही हैं, वो स्थान का भी खाना योग्य नहीं है, ये स्थान दोष है। कौन देखता बता दीजिए मुझे, वही तो बता रहा हूँ। और आजकल तो कंपाउंड है, बिल्कुल कंबाइंड है, बगल में ही सब कुछ है। ये क्यों हुआ आप बताइए? इसलिए हुआ कि रात तक खाओगे बगल में ही जाओगे, रात तक खाओगे बगल में जाओगे,
क्योंकि तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम वहाँ दूर तक जाओ। हो सकता है कि उसी बगल में जाने के पहले आधा नाड़ा खोल लो। ये भोज प्लीज सुन लीजिए मुझे, मैं वो बातें बताऊंगा जो किसी संत ने आपको नहीं बताई। कल एक सज्जन यहाँ बैठे हुए थे, वो कह रहे थे आचार्य श्री बाहर चाहे थे, मैंने कभी नहीं देखा, पति पत्नी बैठे थे। बोले मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने सुना कि भोजन क्या है, कहाँ कहाँ नहीं जाता, विदेश गया था, लेकिन इतना अच्छा विश्लेषण। बोले ऐसे संत को यहाँ क्यों रख दिया, बाहर जाके बोलता मधु से डॉक्टर, हाँ वो बोलते दोनों। बोले ये चिंतन देश में मिलना चाहिए, बस तुम्हारे यहाँ आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना, बहुबीजी मत खाना, तुम कोड़ा मत खाना, तुम लौकी मत खाना, तोरिया मत खाना, बैगन मत खाना, वो पूरे घर का दिमाग खाना। क्या इन चीजों में अटक गया, उस गहराई तक नहीं जा रहे, उस सड़क पे खड़े होकर सब खा रहे हो, महाराज के लिए तुम चिल्ला रहे हो, संत के लिए 50 तुम निंदा कर रहे हो, और तुम सड़क पे कहाँ होके खड़े होके खा रहे हो, और क्या तुमने ठेले वाले से उसकी जात पूछी? अभी व्यक्ति दोष तो आए ही नहीं, स्थान दोष, भाजन दोष, बनाने वाले का दोष। बनाने वाले के दोष से मतलब है वो उठा तो बाथरूम करके आया, लेट्रिन में गया, तौलिया लपेटे, फिर आके खाना बना रहा और वहीं पे घुटकर फिर वही कर रहा। तुम्हारे यहाँ शादी पार्टियों में खाना कैसे आ रहा है, बोलिए अब। भाजन दोष, वो बर्तन कहाँ से लाए, किन किन लोगों ने उस बर्तन में खाया है, जहाँ तुम भोजन ग्रहण कर रहे हो, जो तुम्हारे घर में आज लाखों रुपए देके पार्टियां कर रहे हो, वो पात्र कौन से हैं? वही क्रॉकरी है जिसमें मुसलमान ने भी खाया, हिंदू ने भी खाया, ईसाई ने भी खाया, सिख ने भी खाया, जैन ने भी खाया, बौद्ध ने भी खाया, और तुम खा रहे हो। बोलिए, ये कभी दिमाग में आई ये बातें नहीं है? अरे साहब, मैंने सबसे बड़ा कैटरर को पकड़ लिया है, तो सबसे ज्यादा वही तो बनाता था मांस मदरा ये वो, ले गया तुमसे 10 लाख 50 लाख, वो तुम्हें होश भी नहीं। कई लोग माता जी, कई लोग पिक्चर देखने जाते हैं थिएटर में, अब तो टीवी पे आते, फिर भी जाते हैं क्योंकि नई शादी होती तो थिएटर में जाने का मजा अलग है, कमरे की बात अलग है, और कॉलेज के लड़के लड़कियों को तो थिएटर में ही जाना पड़ेगा क्योंकि घर में तो गर्लफ्रेंड ला नहीं सकते। देखो स्पष्ट है ये जो कुछ है, अब थिएटर में जा रहे उन कुर्सियों पर बैठ रहे जिसमें कीड़े हैं, खटमल है कि नहीं, वही और वही जूठे मूंगफली के छिलके है कि नहीं, वही पान की पीक है। अरे इतने राक्षस हो तुम यार, कॉलेज में पढ़ते हो, MBBS करते हो, डॉक्टर्स बनते हो, PhD करते हो, इंजीनियर्स बनते हो, न्यायाधीश बनते हो, और वो जाते हो ट्रकीज में जहाँ थूक पड़ी, कीड़े पड़े, खटमल पड़े, तुम्हारी बुद्धि में भी वही पड़ने वाली है, और वही पान खा रहे। बोली तो ये दोष नहीं है, जो मुंह में जा रहा वो भी तो भोजन है। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। अभी मैं खाली स्थान दोष चल रहा हूँ, अभी मेरे पास सारे दोष बाकी हैं, अभी इन दोषों को कहने के लिए मुझे बहुत दिन चाहिए। तो आप भोजन का डिसीजन तो करिए कि इन दोषों से हमने जीवन में कितना अपने आप को बर्बाद कर लिया। आज तुम्हारा बालक, तुम कोई, मेरा बच्चा तो खाना नहीं खाता, वो तो वेपर्स खाएगा। वाह कितने समझदार, वेपर्स खाएगा, केमिकल्स पड़ा हुआ उन पेक्टों में, और उसमें वो केमिकल्स बढ़े कि एक बार बच्चे के कंठ से लग जाए तो बच्चा कुछ नहीं खाता, वही खाता, और तुम ला के दे रहे हो महीनों पुराना। घर में अच्छे पापड़ और केले की चिप्स बना के देते थे, नमक मिर्ची मिला के, तो खुश रहता बच्चा, उसका डाइजेशन की उसकी क्रिया अच्छी होती, स्वास्थ्य अच्छा होता। और तुम्हारे सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं आज? कल ही मैंने आपसे बताया था ना कि
देहात में ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के बच्चों को चश्मा नहीं लगता, और तुम्हारे बच्चे पैदा होते ही चश्मा मोटा कांच। बोले महाराज मेरे बच्चे को तो 3 साल में चश्मा लग गया, मंत्र दे दो। आप सोचिए ना, तुम्हारे बच्चों को चश्मा क्यों लग रहा? गांव के व्यक्ति को ना हार्ट अटैक पड़ रहा है, ना ब्लड प्रेशर हो रहा है, ना कैंसर हो रहा, और तुम्हें सारी बीमारियां घेर रही। उनको तो डायबिटीज भी नहीं होती, तुम्हें तो वो भी हो रही। तो तुम्हारे खाने में कहीं ना कहीं जहर तो है। ये माता बहनें सब उदासीन हैं, बाजार का आम, बाजार की चटनी, बाजार के पापड़, बाजार का नमक, मिर्ची लाल की मिर्ची, मिर्ची लाल के मसाले। हाँ, तो आपके घर में शुद्ध क्या है? फिर संतों के बारे में क्यों सोच रहे कि महाराज ने क्या खाया, संत ने क्या खाया? संत का तो खाना फिर भी ताजा है, सवेरे पकता है। हे स्वामी नमस्तु नमस्तु, अत्रो अत्रो। तुम तो ये भी नहीं कहते पतिया के पीछे क्या बन गया, क्या थोड़ी देर बैठ नहीं सकते क्या? अभी तो मंदिर से आई हूं, देख तो रहे हो, 2 गाली और खाता बेचारा। बोलिए, है ना? और हम लोग के लिए हे स्वामी नमस्तु नमस्तु, और महाराज फिर भी नहीं देख रहे। वो कह गए, हे भगवान आज हमारे कर्म को उदय है, वो महाराज उत्तेजे हैं। महाराज की विधि नहीं मिली। हे भगवान महाराज को कैसे विधि मिल जाए? हे भगवान विधि, अपने घर के बारे में क्यों नहीं सोचे? हे भगवान मेरे पति को कब गर्म रोटी मिल जाए, कब बढ़िया चाय दे दूँ, कब पाँव छू के कहूँ कि हे पति परमेश्वर। है ये विधि है, जबकि सबसे पहला परमेश्वर तुम्हारा पति है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सेफ्टी, तुम्हारी आव भगत, तुम्हारी सुविधाएं वही देगा, पहला परमेश्वर है। उठते ही पाँव छुओ 3 बार, घर में है उसके साथ, घर में आते ही उसकी चरण वंदना करो, बैठ के पाँव के जूते खोलो, फिर पानी डालो। कौन करता है? फिर क्या है ये सभी? क्योंकि वो पवित्रता आपके घर में है ही नहीं, सब बाहर का, बुद्धि टीवी की, आपकी नहीं है। कहाँ चल रहे हैं हम लोग? स्थान दोष। तुम्हारा बोले हमारा पप्पू तो टीवी के सामने बैठ के ही खाता है, वैसे खाते ही नहीं। वाह, कितनी अच्छी आदतें दी। अभी एक सज्जन आए थे महाराज जी के पास से, तो बोले महाराज जी ने बताया कि ये बच्चा की बुद्धि ठीक नहीं है और पढ़ने में कमज़ोर है, चंचल ज़्यादा है। तो हमने उनसे पूछा, उसकी माँ उसकी शिकायत कर रही थी, हमने कहा आपके क्या परसेंटेज आते थे? पूछा हमने, तुम्हारे परसेंट क्या? बोले मेरे तो 2nd डिवीजन से ऊपर कभी नहीं आई। मैंने कहा 3rd भी आई? बोले हाँ। तो मैंने कहा बच्चे पे क्या दवा डालती हो तुम, अपनी तो देखो जिंदगी, 72% ला रहा है, क्या कम है ये? और तुम बच्चे की शिकायत कर रहे हो? अरे वो बच्चे को तुमने घर में टीवी दी, वीडियो गेम्स दिए, घूमने फिरने के साधन दिए, चलाने वाली साइकिल दी, तो तुम दोषी हो, बच्चा दोषी नहीं है। तुमने सारी चीज़ें दी। ये तो वो माताएं बहनें हैं, बच्चा रो रहा तो उन्हें अफीम की गोली दे दो, नशे की गोली, पड़ा रहेगा ये मोहल्ले में घूमती रहेंगी। क्या दे रहे हो आप बच्चे को? आप सोचिए एक बार, खाली ये नहीं खाना वो नहीं खाना, अरे पहले ये तो देखो कि दोष कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन से दोष हैं। आज इतने लूंगा वो आपके दिमाग से उड़ जाएगा।